मनमर्जिया को फ्लॉप बताते हुए अभिषेक बच्चन को दी वड़ा पाव बेचने की सलाह। अभिषेक बच्चन अक्सर लोगों के निशाने पर रहते हैं और सोशल मीडिया पर लोग उन्हें छेड़ते भी रहते हैं। हाल ही में अभिषेक की फिल्म मनमर्जिया रिलीज हुई, बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन उम्मीद से कम रहा। इस पर एक ट्विटर यूजर ने एक स्क्रीनशॉट लगाया है जिसमें खबर थी कि ये फिल्म दूसरे सप्ताह में धराशायी हो गई है। उसने लिखा कि मनमर्जिया डूब गई है, जो इस बात का सबूत है कि अभिषेक एक ऐसे लेजेंड है जो अच्छी से अच्छी फिल्म को फ्लॉप कराने की योग्यता रखते हैं। उनकी इस योग्यता का सल्यूट है, वो प्रतिभा हर किसी में नहीं होती। साथ ही यूजर ने लिखा कि नेपोटिज्म को खत्म करने का समय है, स्टार किड्स को अब वड़ा पाव की दुकान खोलनी चाहिए। फिल्म स्त्री से साबित होता है कि प्रतिभा की ही जीत होती है। अभिषेक भी चुप बैठने वाले नहीं है। उन्होंने जवाब दिया कि पहले आप सारे फैक्ट्स और फिगर्स चेक कीजिए, फिल्म की इकोनॉमिक के बारे में जानिए ताकि शर्मिंदा ना होना पड़े। मुझे उम्मीद है कि सारे वड़ा पाव वाले इस बात को मानेंगे कि वड़ा पाव की दुकान चलाना सम्मानजनक है। आपको बता दूं कि स्त्री में भी एक स्टार किड है। इस पर यूजर्स ने जवाब दिया कि मुझे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, शर्मिंदा तो आपको होना चाहिए जिसने लगातार 17 फ्लॉप फिल्में दी हैं। आप अच्छे इंसान हो सकते हैं लेकिन एक्टर तो बुरे हैं। अभिषेक बच्चन इस तरह ट्विटर पर यूजर्स से उलझते रहते हैं और उन्होंने फिर से वही किया है।